में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला, जहां बासगुड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि बलम निड्रा इलाके में मुठभेड़ जारी है, जिसमें विनोद कर्मा राजू पुनेम की मौजूदगी की खबर आई। दरअसल 20 से 25 नक्सलियों के मौजूद होने की खबर है। डीआरजी और कोबरा बटालियन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले कि 20 से 25 नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, जिस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अभी बलम निड्रा इलाके में मुठभेड़ जारी है नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम डोल्टा के जंगलों में नक्सली लीडर जो है विनोद कर्मा और राजू पुनेम के होने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद बीजापुर से डीआरजी और कोबरा 210 की टीम को रवाना किया गया। और सुबह करीब 7:30 बजे नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई। काफी देर तक मुठभेड़ चल रही है, हालांकि अभी तक किसी प्रकार की हताहत होने की खबर नहीं है। मुठभेड़ बंद हो चुकी है, जवान लगातार लकी सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे ही कैंप लौटेंगे तो और जानकारी मिलेगी। लगभग 20 से 25 नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी थी, कोई पकड़ा गया? अभी तक जो है कोई पकड़ने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी तक जो है जवान जो है जंगल में गश्त कर रहे हैं। ऐसे जवान जब कैंप लौटेंगे तो पूरे जवानों से जो है बातचीत करना पता चलेगा कि मुठभेड़ में कितने नक्सली घायल हुए हैं, कितने पकड़े गए हैं या फिर भाग गए, क्योंकि उस इलाके में जो है नक्सली जवानों को दूर से देख कर भाग जाते हैं, फायरिंग करते हैं और जंगल का फायदा उठाते हुए भाग जाते हैं। जवान जैसे ही कैंप लौटेंगे तो पूरी इसे स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस जानकारी के लिए। और बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला